स्वेच्छा से बिजली चोरी घोषित करने पर नहीं होगी एफआईआर। वही जनपद रामपुर में बिजली चोरी करने वाला व्यक्ति अगर स्वेच्छा से चोरी शो घोषित कर देगा तो उसके खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर नहीं कराई जाएगी। 3 महीने का समन शुल्क लेकर उसका कनेक्शन नियमित कर दिया जाएगा। बिजली चोरी पकड़े जाने पर विभाग की ओर से चोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर तो कराई जाती है, साथ ही उससे 2 साल का समन शुल्क और जुर्माना वसूल किया जाता है। जुर्माना और समन शुल्क ना देने पर सजा की भी प्रावधान है। इसके बाद भी धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही है। बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग ने कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत स्वघोषित बिजली चोरी योजना शुरू की गई है। योजना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कटिया डालकर मीटर टेम्पर्ड करके या फिर किसी अन्य तरीके से चोरी करता है तो ऐसे व्यक्ति को विद्युत विभाग ने रियायत देने की घोषणा की है। योजना के तहत बिजली चोरी करने वाला व्यक्ति बिजली विभाग को आवेदन देकर कनेक्शन को नियमित कर सकता है। आइए अब सुनते हैं विद्युत वितरण खंड प्रथम अधिशासी अभियंता भीष्म कुमार क्या कह रहे हैं। ऐसा है, रामपुर में जो बिजली चोरी लोड बढ़ने के साथ चोरी भी बढ़ गई है। हमारे यहाँ पे करीब 80% बिजली चोरी हो रही है पूरे शहर के अंदर, पुराने शहर के अंदर। तो लोगों से एक अपील की जा रही है, अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन कर देगा तो उसका असेसमेंट कम से कम हम लेंगे, मैक्सिमम 6 महीने, मिनिमम 3 महीने का असेसमेंट लेके उसको उसका कनेक्शन बिल्कुल सही कर देंगे। मीटर अगर ख़राब है तो मीटर बदल दिया जाएगा, टेम्पर्ड मीटर उसने करा लिया है तो। या अंडरग्राउंड में अगर चोरी कर रहा है कट लगा के तो उसका केबल बदलवा कर नया केबल डाल दिया जाएगा और 6 से 3 महीने का असेसमेंट उससे जमा करा दिया जाएगा। अगर आदमी सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं करता है और बिजली चोरी में पकड़ा जाता है, एफआईआर होती है, तो उससे पूरा का पूरा 1 साल का दुगना असेसमेंट वसूला जाएगा, भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। और ये योजना लिमिटेड समय के लिए है कि आदमी अगर जल्दी जल्दी अपना बताए कि साहब हम चोरी कर रहे हैं तो हम इस पर हम जल्दी जल्दी कार्रवाई करेंगे और उस पर एफआईआर होने से कंज्यूमर बच जाएगा और भारी असेसमेंट जमा करने से बच जाएगा। अपील यही है कि बिजली चोरी ना करें, अगर कोई कर रहा है तो वो हमें बता दे कि साहब रिटर्न में दे दे कि हमने बिजली चोरी की थी गल्ती से और हम अब इसे रेगुलर करना चाहते हैं तो उसमें जो मिनिमम असेसमेंट है हम उसको जमा करा के उसका कनेक्शन रेगुलर कर देंगे। अब तक करीब लॉकडाउन के बाद में करीब 150 एफआईआर हम करा चुके हैं और कंज्यूमर चोरी करने से बाज नहीं आएंगे तो ये एफआईआर का दायरा बढ़ता चला जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर हम कराएंगे। लाइट एक्चुअली रामपुर में जो सैंक्शन लोड है उससे कहीं ज़्यादा बिजली चोरी हो रही है। अगर मान लिया किसी ट्रांसफार्मर पे हमारे 100 कंज्यूमर हैं, उनका सैंक्शन लोड 100 किलोवाट है, लेकिन लोड वास्तव में उनका जो चल रहा है 200-250 किलोवाट है, तो इस वजह से हमारे सिस्टम ओवरलोड हो रहा है और लोग चोरी कर रहे हैं, इसी वजह से बिजली की समस्या भी आ रही है और फॉल्ट हो रहा है।